तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो है 1896 पोस्टों की वैकेंसी फिर से आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, मैं आपको सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। और दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत किसी तरह का वैकेंसी आता है सारा पे मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको सभी पे वीडियो देखना है हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में DSSB का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जितना भी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन का बोर्ड का वैकेंसी आता है सारा मैंने उस पर ऐड कर दिया। अब सारे वैकेंसी पर जाके देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक एक जाके देखना है। तो अभी हम लोग बात करने वाले जिसमें 1896 पोस्टों की वैकेंसी है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट का नाम की बात किया जाता है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। अगला पोस्ट जो बात करें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, आर की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, कुक फीमेल की वैकेंसी है, ट्रांसलेटर की वैकेंसी है और सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल 1896 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है, ये बहुत बड़ा वैकेंसी, अच्छा वैकेंसी आ चुके हैं। तो इस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसेस है, मैं आपको वैसे भी जवाब देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो अगर आपको सही लगे, यानी लगे कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचा रहा हूँ, तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, उस जानकारी तुरंत ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन को खुद से आप किस तरह देख सकते हैं। कुछ लोग क्या आपके साथ क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि वाकई में वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन समझा देंगे, लेकिन आपको जब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखेंगे आपको कहीं भी वैकेंसी ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसी सब चैनल से आपको बचने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देता हूँ ताकि आपको वाकई में विश्वास हो जाए कि वाकई में वैकेंसी है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे नया पेज ओपन आ जाएगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना सबसे पहले DSSB लिखे सर्च कर लेंगे, आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ, बस वीडियो को स्किप नहीं करें ताकि आप खुद से किस तरह देख सकते हैं, मैं वही बताने वाला हूँ। तो DSSB जैसे क्लिक करके ओपन हो जाएंगे तो सबसे पहले दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसके तहत किसी तरह का वैकेंसी आता है सारा यहाँ पे शो होता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो है इसमें जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आने वाले वैकेंसी का ऑप्शन दिखे, वैकेंसी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करंट वैकेंसी का ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे करंट वैकेंसी का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे जितना भी करंट वैकेंसी होगा आपको सभी यहाँ पे शो होगा। देख सकते हैं कि करंट वैकेंसी जितना है, मैंने आपको सभी पे वैकेंसी का वीडियो बनाया है, सभी पे जानकारी का वीडियो, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होता है या फुल नोटिफिकेशन जारी होता है, अप्लाई स्टार्ट होता है, मैं आपको सभी वैकेंसी का जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते हैं। कुछ वैकेंसी अभी दो वीडियो वहां कुछ दिन पहले आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि इसका फॉर्म भरना आ चुका, यानी कि नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा वो भी मेंशन नहीं करता, सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन देता है कि हाँ इसका टोटल वैकेंसी इतना पोस्ट है, आने वाले समय में वैकेंसी आएगा, इसका स्टार्ट होने वाला है, बस आप लोग सतर्क हो जाए ऐसा मेंशन किया जाता है। अभी जो 1896 पोस्टों की वैकेंसी है इसके लिए सबसे पहले थर्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक दे देंगे, आप खुद से भी डाउनलोड करके चाहे तो आपके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी है, देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था वही नोटिफिकेशन आपको हम थोड़ा छोटा करके आपको दिखाते हैं। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताया था 1896, टोटल 1896 पोस्टों की वैकेंसी है। पोस्ट का नाम की बात किया जाए तो स्टार्टिंग सबसे पहले देख लेते हैं, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, नर्सिंग का उसका ऑफिसर की वैकेंसी होती है, और रिसोर्स सेंटर कोडिंग का वैकेंसी है, आया की वैकेंसी है, आया की कुक मेल की वैकेंसी है, कुक फीमेल की वैकेंसी है। तो सबों का टोटल पोस्ट देखा जाए, जैसे कि फार्मासिस्ट की बात किया जाए तो फार्मासिस्ट में जो 318 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1507 पोस्टों की वैकेंसी, इसमें कुल 6 पोस्टों की वैकेंसी है। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी की बात किया जाए, इसमें कुल 12 पोस्टों की वैकेंसी है। कितना पोस्टों की वैकेंसी है, 12 पोस्टों की वैकेंसी। आया की बात किया जाए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात किया जाए, इसमें सिर्फ 21 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला कुक मेल में बात किया जाए, इसमें 18 पोस्टों की वैकेंसी है। कुक फीमेल में बात किया जाए तो 14 पोस्टों की वैकेंसी है। ट्रांसलेटर हिंदी की बात किया जाए, इसमें सिर्फ 2 पोस्टों की वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर यानी HR के तहत जो आएंगे उसमें सिर्फ 4 पोस्टों की वैकेंसी है। टोटल 1896 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस क्या है, फी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं और आपको हम जानकारी देते हैं।
तो इस फॉर्म का जो है सिर्फ नोटिफिकेशन अभी जैसे कुछ भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पेज का नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया, जैसे इतना जूम करके आपको दिखा दिए, सिर्फ एक पेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यहाँ पे ये सिर्फ मेंशन कर रहा है इसका फॉर्म भरना जो है 13 फरवरी से स्टार्ट होने वाला, जैसे जैसे फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाला 13 फरवरी से, क्लोजिंग डेट की बात किया 13 मार्च तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट, यानी कि इसका फॉर्म भरना जो है 13 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात किया जाए तो 13 मार्च तक जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ये सिर्फ अभी वैकेंसी टोटल पोस्ट की वैकेंसी मेंशन कर दिया, इस पोस्ट में डेट भी मेंशन कर दिया, इसे शॉर्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं कि सिर्फ डेट मेंशन कर देता है, किसी किसी पोस्ट में डेट भी मेंशन नहीं करता कि इसका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ वहाँ ये मेंशन करता है शॉर्ट नोटिफिकेशन में कि सर टोटल पोस्ट आ चुका है, पोस्ट का नाम दिया जाता है कि कौन सा वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में वैकेंसी है, ये सिर्फ शो होता है। और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, ये कुछ नहीं मेंशन करता है। इसका जब फॉर्म भरना स्टार्ट होता है उस समय या उसके कुछ दिन पहले नियरेस्ट समय के समय नोटिफिकेशन जारी होता है और उस समय आप क्लियर देख पाएंगे। तो अभी हम अगर लग रहा है कि आपको मैंने कुछ सही जानकारी दी है कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 1896 पोस्टों की वैकेंसी आज के, जिसमें फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, रिसोर्स सेंटर, आया कुक, ट्रांसलेटर, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया, तो उसके वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट आता है, किसी तरह वैकेंसी आता है, तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब करें, थोड़ा न्यू है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और हो सके इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करने इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनको भी पता चल पाए कि किस तरह का वैकेंसी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत आ चुकी है और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला, उनको ही बोल देंगे लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।